हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा ही आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कार का एक व्हील, जिसे हम रिम बोल सकते हैं, उसका हम एक मिलिंग प्रोग्राम बनाएंगे मास्टर कैम पे। तो चलिए, पहले हमें क्या करना है कि इसके एज पे हमें स्केच जनरेट करना है। उसके लिए हम चलेंगे वायर फ्रेम पे, देन कर्व ऑन एज, इस पर क्लिक करके हमें मैनुअली एक एक एज को ऐसे सेलेक्ट करके स्केच जनरेट करना होगा। मैं क्या करता हूँ, इसे फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ ताकि वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी ना हो। हाँ दोस्तों देख सकते हैं, जैसा हमने ये पूरा एज सेलेक्ट कर लिया है, एक और बचा है, यहाँ से कर देख लेंगे या इस पर ऊपर वाले पे दे देंगे। देखिए, सारे एज पे हमने मोस्टली स्केच जनरेट कर लिया। आप चलते हैं हम टूल पाथ की ओर, तो इसलिए हम चलेंगे टूल पाथ पे, देन डायनेमिक पे क्लिक करेंगे। ओके, तो मशीन रीजन सेलेक्ट करने बोल रहा है वो हम कर लेते हैं। मैनुअली एक एक करके आप सिलेक्ट कर लें। हमने सारे स्लॉट के जो रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर स्लॉट जो स्पोक बनेंगे वो हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। ओके कर लीजिए। हाँ, सब प्रीव्यू से देख सकते हैं, देखिए प्रीव्यू से पता चलेगा कहाँ पे मिलिंग होने वाली है। ओके कर लीजिए, देन चलेंगे टूल पे। टूल पे राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू टूल पे क्लिक कीजिए, एंड मिल ले लीजिए, नेक्स्ट करके इसके डायमीटर को 5 कर लीजिए। थोड़ी कटिंग लेंथ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ 45 मैं कर लेता हूँ, नेक्स्ट करिए। देखिए, इस ऑप्शन में यहाँ पे आपको फीड रेट, स्पिंडल स्पीड वगैरह आपको देने का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे अगर इस पे कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो क्या कर लेगा, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा आपके रीजन के हिसाब से कि कितना वो कटिंग होना है, तो उस पर कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो मैं ऑटोमेटिक कर लेता हूँ, फिनिश कर लीजिए। टूल नंबर 1 है, फोल्डर पे ले लीजिए अपने हिसाब से कुछ स्टॉक, यूज कर लीजिए। कट पैरामीटर, यहाँ से स्टॉक आपको 0 करना, मतलब जब आपका ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा तब भी क्या कुछ मेटल बचेगा, तो हम चाहते हैं कि कोई मेटल नहीं बचे, मतलब जहाँ तक हमारा रीजन है उसके अंदर कोई भी मेटल नहीं बचना चाहिए, इसलिए हम 0-0 कर दिए हमने। बाकी आपको किसी और कुछ नहीं करना है। लिंकिंग पैरामीटर में ध्यान दें, यहाँ पर तो फीड प्लेन लिखा है, फीड प्लेन पे क्लिक करें। फीड प्लेन हमारा कहाँ होगा, यहाँ से हमारा फीड प्लेन स्टार्ट होगा। डेप्थ कहाँ तक डेप्थ जाएगा, तो कितनी गहराई तक जाएगा वो हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर स्पॉक का नीचे वाला रीजन दिखा है, यहाँ पर क्लिक करें, देखिए उसने डेप्थ ऑटोमेटिक जनरेट कर लिया -25। तो बट कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ना छूट जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 mm एक्स्ट्रा और नीचे टूल को भेजेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे -27 दे देते हैं, देन आप ओके कर लीजिए। तो टूल पाथ जनरेट होगा, कुछ समय लगेगा इसके लिए, थोड़ा तैयार कर लें। आप देख सकते हैं ये टूल पाथ जनरेट हो चुका है, ऐसे ऊपर से देखेंगे हम टॉप से तो अच्छा दिखेगा। देखिए सारे स्लॉट के लिए टूल पाथ जनरेट हो चुका है, आइसोमेट्रिक व्यू पे लेते हैं हम इसे। अब बस ये ड्रिल जो है इसकी मिलिंग करनी बाकी है, इसका भी हम कर लेते हैं। चलिए इसका मिलिंग भी कर लेते हैं, इसके लिए हम चलेंगे पॉकेट पे, देन सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा हमें किसकी मिलिंग करनी है। ये हमें इतनी की मिलिंग करनी है, साथ में इसको भी ले लेते हैं, सब एक साथ मिल हो जाएंगे। ओके कर लीजिए, टूल राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू टूल पे चलते हैं, यहाँ से बुल मिल ले लेते हैं, नेक्स्ट कर लीजिए। इसके डायमीटर को 5 कर दीजिए, ये कॉर्नर रेडियस टूल आर्च फॉर कटिंग डायमीटर लिखा है, बट इसे क्लिक करेंगे कुछ देर तक ऐसे ही
तो ऑटोमेटिक वो टूल जनरेट हो जाएगा। देखिए ये ऑटोमेटिक टूल जनरेट हो गया, शुरू में नहीं दिखाएगा बट ऐसा क्लिक करेंगे माउस पे तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो इसकी थोड़ी हाइट हम बढ़ा लेते हैं, 45 कर लेते हैं, तो कटिंग लेंथ नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पर इसका फीड रेट वगैरह ऑटोमेटिक जनरेट कर लीजिए, फिनिश कर दीजिए। टूल नंबर 2 है होल्डर, ठीक है। लीजिए कट पैरामीटर, देखिए स्टॉक यहाँ पर पूछ रहा था, स्टॉक हमें यहाँ भी नहीं छोड़ना है। 0-0 कर लीजिए, रफिंग इसको यहाँ पे कॉन्स्टेंट ओवरलैप करिए। एंट्री मोशन जरूरत नहीं है, लीड इन लीड आउट को बंद कर लीजिए, फिनिश को भी बंद कर लीजिए। डेप्थ ऑफ कट कितने डेप्थ ऑफ कट काटेगा, तो मैं बोलता 2-2 mm का वो काटेगा। ब्रेक थ्रू यस 2 mm एक्स्ट्रा मतलब कोक काटेगा, ब्रेक थ्रू दे दीजिए। लिंकिंग पैरामीटर में बहुत ज़्यादा 5 mm करिए इसको। फीड प्लेन, ये हमारा फीड प्लेन है, चलिए ये हमारा फीड प्लेन है। डेप्थ हमने माना था कितना था हमारा, -27 था, वो -27 यहाँ भी दे दीजिए, देन ओके कर दीजिए। तो देख सकते हैं आप एक पूरा टूल पाथ जनरेट हो चुका है, आप चाहे देखेंगे, देखिए सारे टूल पाथ जनरेट हो चुके हैं हमारे। अब हम इसका सिमुलेशन टेस्ट करेंगे, उससे पहले बट हमें स्टॉक जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले टूल पाथ ग्रुप 1 पे क्लिक करके जितने टूल पाथ उसको हाइड कर लेते हैं, यहाँ से हाइड हो जाएगा। अब क्या करते हैं ध्यान से देखिए आप, वायर फ्रेम पे चलिए, एक लाइन लीजिए, एक यहाँ सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ तक, ओके कर लीजिए। एंड देन इसके मिडल से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, अप टू 20 तक, ठीक है, अप टू 20 ठीक है, ओके कर लीजिए। देन अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से आर्क 3 पॉइंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक पॉइंट और एक परपेंडिकुलर लाइन जो हमने ली थी उसके एक पॉइंट, और यहाँ पे एक एंड पे एक पॉइंट लेना है, ठीक है, ओके कर लेना आपको। और ये मिड वाला पॉइंट है उसे डिलीट कर लेना, सॉरी इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर लेना है, ये हो गया। अब चलते हैं सॉलिड पे, एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक कीजिए, एंड देन ये जो बाहर वाला जो चेन है इसे एक क्लिक कीजिए और ओके कर लीजिए, तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। इसे एक्सट्रूड हमें कितना करना है, हमने हमारा जो टोटल डेप्थ हम जो मिलिंग कर रहे हैं वो 27 है, तो 25 तक इसे रखते हैं, 25 mm तक, ओके कर लीजिए। देन अब यहाँ पे बुलियन को सिलेक्ट कीजिए, इसे सिलेक्ट कीजिए, सॉरी यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम आई थी, बुलियन को सिलेक्ट कीजिए, इसे सेलेक्ट कीजिए और इसे भी, सबको सिलेक्ट करके ओके कर लीजिए और ऐड पे क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अब हम जो सिलेक्ट करेंगे, देखिए पूरा एक साथ सिलेक्ट होगा, ये हो गया। अब क्या करना हमें, अब हम चलेंगे रिवॉल्व पे, रिवॉल्व पे क्लिक करेंगे, हमें इसे रिवॉल्व करना है, जो हमने कर्व बनाया उसे रिवॉल्व करना है, ओके कर लीजिए। कहाँ रिवॉल्व करना है, तो वायर फ्रेम पे चलिए और अंदर एक लाइन दिख रहा है इस पे क्लिक कर लीजिए, और देखिए ओके बटन पे क्लिक करने के बाद वो जो हमारा जो कर्व बनाया था वो पूरा रिवॉल्व हो गया है, तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब क्या करेंगे, इसे भी हम बुलियन से पिछली बार की तरह पहले अंदर वाले को सिलेक्ट करेंगे, देन बाहर वाले को, देन ओके करके ऐड पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब क्या होगा, अगर हम इसको सिलेक्ट करते तो पूरा एक साथ ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं टूल पाथ जनरेट करने की ओर, उससे पहले हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। स्टॉक के लिए हम चलेंगे यहाँ पे, देन स्टॉक सेटअप पे, स्टॉक सेटअप पे सॉलिड पे, एंड देन इसे कर्सर से क्लिक करके इसे हम स्टॉक जनरेट करवा देंगे, एंड देन सॉलिड पे क्लिक करेंगे, ओके कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा स्टॉक जनरेट हो गया। चलिए अब चलते हैं इसका सिमुलेशन चेक करने के लिए, उसके लिए चलेंगे हम। Now let's do the simulation test. For that we will go to and hit the button verify selected operation. It will take some time to open the window.
प्रेस द प्ले बटन एंड यू कैन सी दैट मिलिंग ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड। यू कैन सो हेयर 29:04 इज द साइकिल टाइम फॉर दिस ऑपरेशन। द स्पीड यू आर शोइंग इट इज नॉट एक्चुअल स्पीड, इट इज अ फास्ट फॉरवर्डेड स्पीड। Top view. So this is the whole procedure for milling the car rim. I hope you like the video. Then please like, subscribe and share this video. Thank you.